नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। भोपाल के बीचों बीच कैची छोला में बुधवार रात को दो पक्षों में इलाकों के वर्चस्व के लिए हिंसक झड़प हो गई। 100 से ज्यादा लोगों में लाठी डंडे और तलवारें चली, पथराव और फायरिंग तक हुई। घटना में 6 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि दोनों गुट अवैध गतिविधियों में अपना वर्चस्व बताते हैं और इसी बात पर उनके बीच में झड़प हो गई। उधर सूचना के बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों पक्षों पर काउंटर केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार कैची छोला निवासी 32 वर्ष का विकी सरदार अपने साथी के साथ देर रात चाय पीकर कार से घर लौट रहा था। इसी दौरान कैची छोला में कुछ बंदियों के परिवार ने उन्हें घेर लिया और झगड़ा करने लगे। उधर सूचना मिलने पर विकी की तरफ से भी लोग आ गए, फिर दोनों पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। पुलिस के अनुसार छोला मंदिर के कैची में विकी के घर आसपास कुछ बंदियों के करीब 100 झोपड़े हैं। पूर्व में दोनों पक्ष अवैध रूप से शराब बेचते थे, जो कि अब बंद हो चुकी है और इसी को लेकर दोनों अपना प्रभाव बनाने के लिए विवाद करते हैं। दोनों पक्षों के बीच अवैध कारोबार को लेकर हमेशा विवाद रहता है। इनका झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि बच्चे भी आपस में झगड़ा करते हैं। कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई थी। पुलिस ने इस मामले को दोनों पक्षों पर काउंटर केस किया है। पहला मामला कैची छोला निवासी 32 साल के विक्की सरदार पिता कालू सिंह की शिकायत पर हत्या के प्रयास समेत 6 से अधिक धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरा मामला कैची छोला निवासी 21 साल के अजय कुछबंदिया पिता धर्म सिंह की शिकायत पर विकी और उसके दोस्तों पर 6 से अधिक धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अजय और उसकी चाची रानी को हाथ में चोटें आई हैं। आरोप है कि विकी ने पिस्टल से फायर किया और साथियों को अजय के घर में घुसकर पीटा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।